दोस्तों, जिस दिन का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो दिन आ ही गया, यानी हमारी डांसिंग मशीन जे होप अपनी मिलिट्री सर्विस से कल फ्री हो रहे हैं, जिसे लेकर ग्लोबल आर्मी सुपर एक्साइटेड है। तो हम जे होप के मिलिट्री डिस्चार्ज के बारे में डिटेल में बात करें, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, 14th of October को बिग इट एंटरटेनमेंट की तरफ से इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई कि 17th of October यानी कल जे होप अपनी मिलिट्री सर्विस से डिस्चार्ज ले लेंगे। इसके साथ ही कंपनी ने आर्मी से रिक्वेस्ट करते हुए मेंशन किया कि जे होप के साथ साथ अदर एक्टिव सोल्जर्स भी अपनी मिलिट्री सर्विस से डिस्चार्ज लेंगे, इसलिए उस दिन किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। और कंपनी आर्मी से भी यही उम्मीद करती है कि उस दिन किसी तरह का कोई इवेंट ना करे। कंपनी ने आर्मी से ये भी रिक्वेस्ट की कि सेफ्टी का ख्याल रखते हुए सभी आर्मी कहीं भी ओवरक्राउड ना करें, जहां हैं वहीं से जे होप को वार्म वेलकम करें। वेल, इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद से आर्मी सुपर एक्साइटेड है और यही बात कर रही है कि BTS फिर से एक साथ होने जा रहे हैं और वही सरप्राइजेस का दौर वापस आ रहा है। वेल, ये तो सच है कि इस टाइम पीरियड में आर्मी ने BTS को काफी मिस किया, लेकिन जिनकी वापसी के बाद से ये कहना गलत नहीं होगा कि पुराने दिन वापस आ रहे हैं और जल्दी बाकी मेंबर्स भी हमारे साथ होंगे। हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता उन्हें बता दें कि जे होप ने लास्ट ईयर अप्रैल में अपनी सर्विस ज्वाइन की थी, जहां उन्हें इन्फेंट्री डिवीजन में असिस्टेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का जॉब दिया गया था, जिसे उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। हालांकि लास्ट मंथ जे होप ने वीवर्स ऐप पर मेंशन करते हुए लिखा कि वो जल्दी मिलिट्री सर्विस से वापस आ रहे हैं और अब वो पहले से ज्यादा प्राउड और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो आर्मी से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड हैं कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ उनका टाइम काफी स्लो जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी वो यहाँ से जाते हुए थोड़ा लो फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कैंप में उनके काफी फ्रेंड्स बन गए हैं। इन शॉर्ट, अभी जे होप मिक्स्ड सेंटीमेंट से सफर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मी जे होप के डिस्चार्ज के बाद वीवर्स ऐप पर लाइव आने का वेट कर रही है, साथ ही ये भी उम्मीद कर रही है कि जल्दी उन्हें जिन और जे होप को एक साथ किसी न्यू प्रोजेक्ट में देखने का मौका मिलेगा। वेल, मैं तो अभी जे होप के डिस्चार्ज को एंजॉय करना चाहती हूँ। दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में हमारे साथ शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगयो।